अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? अगर इन्जॉय कर रहे होंगे दिन को, नहीं भी करते तो करना चाहिए। एटलीस्ट कोशिश यही होती है हर दिन को बहुत अच्छे से गुजारा जाए खुशी के साथ। कुछ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो अप एंड डाउन आ रहे होते हैं, लेकिन इसी तरह से मूव ऑन करते हैं और फिर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हर एक की ज़िंदगी होती है और इसी तरह से हम कोशिश कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ लेकर आना। तो आज की रेसिपीज़ ये वो रेसिपीज़ हैं जो रोज़मर्रा के खाने आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि समीना आपा बस आपको बेहतरीन रेसिपीज़ देती जा रही हैं। तो आज की क्या रेसिपीज़ हैं तो आपा ने आप लोगों को बताई थी। अब हम बात करते हैं आज की रेसिपी के एक इंग्रेडिएंट के बारे में। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि आपने कहा था हम अपने रेसिपी में यूज़ करने जा रहे हैं, बीटरूट, जिसे चुकंदर कहा जाता है। बीटरूट आज इस्तेमाल हो रहा था, मैंने कहा इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। सब जानते हैं फॉस्फोरस, मिनरल्स, वाइटामिन्स और मैग्नीशियम, ये तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, लेकिन काम करता क्या है ये तमाम चीज़ें? तो सुन लिया जी, हाँ जी, वाइटामिन्स मिनरल्स हैं, बाकी और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं। आते हैं जी एक काम की बात की तरफ, जो कि इसके काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये जितने एनेमिक लोग होते हैं जिन्हें ब्लड की कमी होती है उनके लिए कहते हैं इतना बेहतरीन है। अगर आप रेगुलरली कोशिश करें कि आप बीटरूट का जूस निकाल कर पी रहे हैं तो वो आपको ब्लड बनाने में बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। यूजुअली लोग ABC जूस बनाते हैं, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, ये तीनों को मिक्स करके, जिसे कहा जाता है ABC, जो कि बहुत जो है पावर हाउस न्यूट्रिएंट्स का बन जाता है। जिनको बीटरूट का फ्लेवर पसंद नहीं आता डायरेक्टली तो कुछ चीज़ें ऐड करके इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, जो बहुत ही गज़ब का है। एक शानदार सी टिप भी, अच्छा वो तमाम लोग जिसे रेगुलरली अगर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, सस्ता, टिकाऊ, आसान, हल्के जूस बनाया और पी लिया, अच्छा क्योंकि खाना मुश्किल है, कितनी देर तक चबाएंगे, एक ही बीटरूट खा सकते हैं, इन शॉर्ट आप पी सकते हैं जूस इसका। वो तमाम लोग जिन्हें थोड़ा सा इशू है, लाइक एनेमिक हैं, तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाती है ये तमाम चीज़ों की। स्किन ग्लो करने लग जाती है, अच्छी ब्राइट और नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है ये बेसिकली, जो काम करेगा। वो लोग जिनके लिप्स थोड़े से डार्कर हैं अपने लिप्स पे भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा निकाल के आपने रख लिया इसे फ्रिज में और ऑन एंड ऑफ आप इसे लगाते रहें, चाहे वो रात में लगाएं, सुबह उठ के लगाएं, दिन में लगाएं, जब जब मौका मिल रहा है थोड़ी थोड़ी देर में लगाएं, तो आप नेचुरली पिंक लिप्स भी मिल सकते हैं। तो बड़ा काम का हुआ ये हमारा चुकंदर। तो अब से अपने खानों के साथ साथ, सैलड्स के साथ साथ जूस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और इसके फवाइद को इंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं आपा की तरफ आज की रेसिपी से। नाम शो के आपा भी आपको बहुत कुछ बता सकेंगी बीटरूट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, खैरियत से, आप बताइए? बिल्कुल ठीक, खैरियत से, बड़ी अच्छी सी रेसिपी। बीटरूट का बड़े ही कोई पुरजोश अंदाज में जो है, हाँ, बड़ा फायदेमंद किया। ठीक है, देखिए मैं भी आज रेसिपी बना रही हूँ। अभी जैसे आपने देखा था मैंने ग्वार की फली बनाई थी, फिर मैंने चुकंदर इसीलिए चूज़ किया कि ये हमारे यहाँ कम ये चीज़ें बनाई जाती हैं, लोगों को इनकी अफादियत का नहीं पता चलता। तो बहुत ही अच्छा होगा आज आपने सारी बीटरूट के मुतालिक बता दिया। एक टिप मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी ज़रा बातचीत करने पर बताते हैं। ओह प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे और अपनी शाम को इन्जॉय करेंगे डेफिनेटली, और अपने प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुश आमदेद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा प्यार हमारी टीम की जानिब से। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, और आपके दिन का आगाज़ तो डेफ़िनेटली अच्छा होगा, तो दिन का इख्तिताम जो है वो भी इंशाल्लाह बखैर खूबी होगा, अल्लाह ने चाहा। जी जनाब, आज प्रोग्राम में हम बनाएंगे तीन चीज़ें, मेथी, चुकंदर, गोश्त। बड़ी कॉमन सी चीज़ है, बट ये कि कम घरों में बनाई जाती है, कुछ उन घरों में भी नहीं बनाई जाती जहाँ पर के कुछ शुगर पेशेंट होते हैं, तो वहाँ पर चुकंदर का इस्तेमाल कम किया जाए। लेकिन अगर आप उसको मेथी के साथ पकाएंगे और गोश्त में पकाएंगे तो ये बेहतरीन बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके अलावा बनेगी चटपटी आलू मटर टिक्की बनेगी और एक ज़ीरा राइस सिंपल से हम आपको बनाना बताएंगे। अच्छा, चुकंदर के एक तो ये सबसे बड़ा, ये अभी ने इतनी बहुत सारी चीज़ें बता दी, तो लेकिन ये कि मैं आपको चीज़ बताऊँ, जैसे आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो जब आप एप्पल जूस लेते हैं, एक ग्लास एप्पल जूस, उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने चुकंदर का जूस डालना है, उसमें 1 टेबलस्पून ही आप उसमें डालेंगे लेमन जूस, उसको मिक्स करें
और 3 से 4 दिन आप अगर लगातार मरीज़ को देते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला शिफा होगी और टेम्परेचर जो है एकदम से डाउन होगा ना। चुकंदर का जूस ज़रूर मिलाइएगा, यानी एप्पल जूस में चुकंदर का जूस और लेमन जूस, और कितना, एक कप में या एक ग्लास में आपने 1 टेबलस्पून चुकंदर का जूस और 1 टेबलस्पून ही आपने इसमें लेमन जूस डालना है। लेमन जूस थोड़ा सा कम करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि जब भी आप चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सैलड में करें, किसी भी चीज़ में करें, तो उसको बॉईल आप ज़रूर करें, फुल डन करें, क्योंकि कच्चा चुकंदर जो है वो नुकसान पहुंचाता है, यानी आपका पेट अपसेट हो जाएगा, पेट में दर्द होने लगेगा। तो इसलिए कच्चा ना खाएं, हमेशा उसको बॉयल करके खाएं, और कभी भी छिलका ना उतारें, पहले आप उसको बॉयल करें, देन आप उसको ऐसी हाथ से करेंगे छिलका आराम से उतर जाएगा। तो वो आप अपने खानों में इस्तेमाल करें, आलू के साथ बनाएं, बेहतरीन बनता है। तो बिल्कुल आ जाते हैं अपने जल्दी से काउंटर पे, चलते हैं जी फौरन से। चुकंदर की चीज़ें आपा ने भी आपको बता दी, जो एक्सपेक्ट कर रही हैं खवातीन वो भी ले सकती हैं, ले सकती हैं वगैरह, उनके लिए भी अच्छा है। बस जो शुगर पेशेंट हैं उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करना, उनके लिए चुकंदर अच्छा नहीं है। अच्छा, वैसे ही कि ये जैसे गाजर गोश्त है, चुकंदर गोश्त है, आप इसको मेथी के साथ बनाएं तो बेहतरीन इसका रिजल्ट आता है। यहाँ पर चुकंदर गोश्त के क्या इंग्रेडिएंट है ये आपको हम बताते हैं और इसकी तफसील भी साथ साथ बताते हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त को बॉईल कर लिया, आप अपने घर में चाहें तो ना कीजिएगा, ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट चूँकि वो मैंने आपको एक तरीक़ेकार बता दिया ना कि आपने गोश्त को बॉईल करना है, नमक डाल लें, साथ ही ज़रा सा उसमें ऑयल डाल दें, अदरक लहसुन डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे ना, लेकिन ऑयल जो है वो आपके गोश्त को बेहतरीन कर देगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, एक जो बॉयल की स्मेल होती है ना वो इसमें से कम हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास बीफ है, अच्छा इसको मैं बीफ से बना रही हूँ, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं, इसको मटन से भी बना सकते हैं, बट बीफ से इसका जायका बेहतरीन होता है। 1/2 kg हड्डी वाला बीफ था, इसको मैंने नमक और थोड़ा सा तेल डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया, ये फुल डन है मेरे पास। इसके अलावा 750 ग्राम मैंने लिया था चुकंदर, चुकंदरों को भी हमने बॉयल किया, बॉयल करके मैंने ग्रेट कर लिया, टुकड़े नहीं काटे, आप चाहे तो टुकड़े काट लें, बट ये ग्रेट किया हुआ मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता है, और जब आप इसको ग्रेट करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि वो बॉयल हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये मौजूद है, इसमें डालेंगे प्याज, अब आप मुझे दोबारा रखना पड़ेगा, अच्छा मैं चुकंदर दिखाना चाह रही थी, हाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, अच्छा जी एक अदद लेंगे प्याज, ठीक है ना, दरमियाने साइज़ की। अच्छा मेथी का जिक्र तो हमने किया नहीं, मेथी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये रही मेथी, मेथी पत्तों वाली, ये मेथी है हरी मेथी, ये इसके अंदर इसमें शामिल करें, आजकल तो इजीली मिलती, छोटी वाली मिल जाए तो बेहतरीन है, बड़ी है तो बड़ी भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि मेथी के भी फ़वाद इंशाल्लाह ताला आपको किसी दिन बताएंगे ज़रूर। चलें जी, चूल्हा हमने ऑन कर लिया, आप आपने कहा कटिंग ना करें, आपने ग्रेट किया, रीज़न देखिए कटिंग लुक और टेस्ट में नहीं, उससे क्या होता है कि जब ये ग्रेट किया हुआ था इसको भूनना ज़्यादा आसान हो जाएगा, जब आप बॉईल करते हैं टुकड़ों की फॉर्म में डालते हैं तो वो उसका टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आता, ग्रेट करके जब आप भुनेंगे तो ये देखें कितना बेहतरीन होना, जब आप देखिएगा भुना हुआ, जब आप काट के डालते हैं ना मोटे मोटे टुकड़े डालते हैं तो वो सही से मैश नहीं हो पाते, तो उसका रीज़न ये है, आप ग्रेट करके डालें बेहतरीन, आराम से हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसमें हम शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3/4 कप डालूंगी मैं इसमें, चूँकि ये चीज़ें ज़्यादा हैं आज। अच्छा मेथी जो हमने यहाँ पर ली है 1 कप, यानी एक छोटी गड्डी आप लीजिएगा, उसके पत्ते निकालना चाहें पत्ते निकालें, थोड़े से आप उसमें डंडियाँ भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये किस पर डालेंगे ये आपको बताएंगे। अच्छा यहाँ पर प्याज हो रही है, थोड़ी सी प्याज होगी तो मैं इसमें क्या करूँगी, मैं सिर्फ इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी और जाएगा ये तेज़पत्ता, ये 2 तेज़पत्ता डाल दिए, बाकी क्या कुछ होगा ये आपको ब्रेक के बाद बता देंगे। ऑल राइट, तो जी बड़ी ही डिटेल में हमने जानना है, यहाँ चुकंदर और मेथी गोश्त बन रहा है, दूसरी रेसिपी भी चटपटी आलू टिक्की है, यानी दोनों ही रेसिपीज़ है बहुत ही ख़ास और मज़ेदार, वेल इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, डेफिनेटली आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि मज़े की और आसान तरीन रेसिपीज़, वापस आएँगे और बाकी की डिटेल आप लोगों को शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और जी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा चुकंदर और मेथी गोश्त बन रहा है। अब तक मेरे घर में तो सिर्फ चुकंदर गोश्त बनता था, लेकिन अब मैं देखूंगी कि मेथी भी डाल के इसका फ्लेवर और मज़ेदार कैसे कर सकते हैं। अच्छा मैंने सिर्फ ब्रेक टाइम में मैंने इसमें गोश्त डाला, कुछ भी नहीं किया। अब जाएगी इसके अंदर ये टमाटर, टमाटर 250 ग्राम, ठीक है आप लीजिएगा इस, क्योंकि चुकंदर मीठा होता तो थोड़ा सा हमें लेना होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ये गया,
और चूल्हे को हम कर देते हैं तेज़ और बाकी के अब इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि नमक। वैसे तो जब मैंने इसमें बॉईल किया था तो मैंने नमक डाला था, बट चुकंदर और मतलब सारे मसालों के लिहाज से तकरीबन 1 1/4 टीस्पून ये चला गया। पिसी हुई लाल मिर्च 1 1/2 टीस्पून ये गई, कुटी हुई भी जाएगी इसके अंदर क्योंकि ये ज़रा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, और ये डाल दिया मैंने इसमें तकरीबन 1 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली। लेकिन ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये अच्छा लगता है। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर ये चला गया, ये है यहाँ पे थोड़ा सा, ये मैं बाद में डालूँगी, ठीक है, इसको ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास चूँकि आप देख रहे हैं कि चुकंदर जो है बॉयल भी हैं, इसके अलावा हमने इनको ग्रेट भी किया हुआ है, गोश्त भी हमारा कुक हुआ हुआ है, तो हम इसको सिर्फ भूनेंगे थोड़ा सा और उसके बाद ये इसमें चुकंदर शामिल कर देंगे। ये हो रहा है तो इतनी देर में हम थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। अच्छा, जब हम चुकंदर ऐड करेंगे तो साथ ही हम इसमें मेथी भी ऐड कर देंगे, ठीक है, ये मेरे पास रखी हुई है। इसको होने देते हैं और आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला है सख्त। आलू, आलू मटर टिक्की बहुत अच्छी, क्योंकि अब सीज़न आ रहा है, उसमें ये चीज़ें बेहद अच्छी लगती हैं। यहाँ पर आलू हैं हमारे पास तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू लीजिएगा या 4 मीडियम साइज़ के। इसमें डालेंगे तकरीबन 3/4 कप हम इसमें मटर शामिल करेंगे, ये गए इसमें मटर, बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है, ये अच्छी लगेगी, आपको मज़ा आएगा। इसके अलावा पुदीना, पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ग्रेट कीवी अदरक, इसका जायका इसमें बहुत अच्छा लगता है, ये गई ग्रेट कीवी अदरक तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, हरा धनिया ये जाएगा इसमें तकरीबन जैसे 2 से 3 टेबल स्पून। इसके अलावा चॉप कीवी प्याज, ये गई प्याज इसके अंदर है, इंग्रेडिएंट ज़्यादा बट बेहतरीन है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम नहीं है तो कोई इशू नहीं, मत डालिएगा, ये गया इसके अंदर। अब डालेंगे हम इसके अंदर पिसी हुई खटाई, ताकि बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी हो जाए, ये गई इसमें पिसी हुई खटाई तकरीबन 2 टीस्पून यानी 1 टेबल स्पून। डालेंगे इसमें नमक, पानी डालना है इसमें? नहीं, पानी नहीं डालेंगे हम, इसको बस इसी तरह से थोड़ा सा और भूनेंगे और फिर हम इसमें चुकंदर शामिल करेंगे, सही ना। अब इसको होने देते हैं, आप थोड़ा सा इस पर नज़र रखिएगा, ठीक है, सिर्फ नज़र, हाँ जी बिल्कुल। अब मैं डालूंगी इसके अंदर नमक जायके के मुताबिक, ये गया इसमें तकरीबन 1 1/2 टीस्पून नमक, जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन इसमें मैं 1/2 टीस्पून, कुटी हुई 1 टीस्पून और पिंच ऑफ हल्दी, ठीक है जी, ये सब चीज़ें चलेंगी इसके अंदर। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसकी टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाएंगे इसके, इसको हम फ्राई कैसे करेंगे ये आपको बताते हैं। मैं इसको मिक्स कर लूँगी ब्रेक टाइम में, लेकिन अभी हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। क्या है वो, उसमें चीज़ें ये है बेसन, 3/4 कप मैंने बेसन लिया था, इसको थोड़ा सा सिर्फ पानी में, सिर्फ पानी डाल के डिसॉल्व किया, कुछ भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, ये पानी डाला था, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूँगी और कंसिस्टेंसी और लिक्विड, नहीं इसलिए कि इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है चावल का आटा, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे इसमें चावल का आटा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे गया चावल का आटा, ताकि चावल का आटा थोड़ा सा अच्छा सा फूल जाए, और डालेंगे 1 पिंच हम इसमें सोडे की, 1 पिंच ज़्यादा नहीं, ये गया बिला मुझे वो दीजिएगा, थैंक यू। नमक जायके के मुताबिक, ऑब्वियसली इसमें हमें नमक डालना होगा बैटर में, नमक गया तकरीबन 3/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन हमने शामिल की 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, ठीक है, और डालेंगे इसके अंदर हम अजवाइन, और अभी मुझे अजवाइन ढूंढ के देंगे इसमें डालेंगे। अच्छा, सारी टिक्की बनाएंगे इसमें डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे, वो सब आपके सामने करेंगे, लेकिन अब आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे। ये चलो जी, ये आ गई अजवाइन। अच्छा, अजवाइन डालेंगे हम इसके अंदर, जैसे कि ये देखें जी, तकरीबन 1/2 टीस्पून हमने इसमें अजवाइन शामिल कर ली, अजवाइन चली गई, इसको हम मिक्स करते हैं, अच्छा सा ये बैटर तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको रखेंगे और उसके बाद टिक्की को इसमें डिप करेंगे और फ्राई कर लें, डीप फ्राई करें जैसे दिल चाहे आप इसको करें। चलें, कॉर्नर लें, बिल्कुल कॉर्नर भी लीजिए, साथ ही मैं इसमें ये डालने जा रही हूँ चुकंदर,
ठीक है, आप चुकंदर ऐड करें। हम कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवीन आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी है? ठीक है, प्लीज़ कीजिए, कर लीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं समीना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपकी दुआएं हैं, ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? अच्छी हैं? अच्छी तो आप जी, हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। जी शुक्र है। समीना, मेरी एक फरमाइश है। जी आप बिल्कुल, मतलब जब भी पूरा करें, जब टाइम मिले आपको। जी बताइए। खड़े मसाले का कीमा और वर्की पराठे। अच्छा, देखिए वैसे खड़े मसाले का कीमा तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है। देखा नहीं आपने शो में? मीना, मुझे लग रहा है मिस कर दिया आपने। खैर से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश पर फिर से जरूर बनाएं। और वर्की पराठे, वर्की पराठे, माय गॉड, चले वर्की पराठे बना लेंगे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है फुल ब्रंच की तैयारी है यहाँ तो, ये जबरदस्त। अच्छा बिल, ये मैंने, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, चुकंदर डाल दिए इसमें, बोटियाँ लाल होना शुरू हो गई, ये गई इसमें मेथी। ठीक है जी, अब मेथी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूँगी और उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी देर बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे और गार्निशिंग के लिए हमारे पास मौजूद है यहाँ पर हरा धनिया। ठीक है, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करके मैं हाफ अ कप इसमें पानी शामिल करूँगी और उसको कुक होने दूँगी। ठीक है, अभी शामिल होगा पानी? अभी बस मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी अभी। तो फिर हम ब्रेक लें? बिल्कुल, आप ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक पे जाते जाते आप लोगों को बताते चलें कि खाना अच्छा बना रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि घर पे भी बनाएं तो अच्छा दिखे, अच्छा लगे, अच्छी खुशबू हो, टेस्ट में अच्छा हो। लेकिन अगर आपने थोड़ी देर भी उसको रखना है तो फिर खाने का कलर, लुक, टेस्ट, वो सब ख़राब होने लगता है। लेकिन क्या चीज़ ऐसी हो जो खाने को प्रिजर्व रख सके, यानी थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद भी अगर आप खाना खा रहे हो तो वही टेस्ट, वही जायका और वही लुक आपको मिल जाए, तो वो दे रहा है आप लोगों को हैप्पी हाउस। ये हैप्पी हाउस की तमाम प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं हमारे बैक पे भी मौजूद हैं, जो कि किचन वेयर हाउस होल्ड के होम डेकोर की जरूरत पूरी कर रहा है। ये तमाम चीजें जिसमें मौजूद हैं थर्मोपॉट्स, हॉट पॉट्स, जो कि आपके खाने को गर्म रखता है, प्रिजर्व रखता है, कलर, टेस्ट, लुक खराब नहीं होने देता। यहाँ हाउस, हैप्पी हाउस की ये तमाम चीज़ें जो कि कुछ हम आपको दिखा रहे हैं अपने सेट पे रखी हैं, कुछ बॉटल्स भी हैं, फ्लास्क भी हैं, इन शॉर्ट तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब आपको खाना रखना हो, ले जाना हो, कहीं भी कैरी करना हो, ट्रैवल पर हो या फिर आपकी पिकनिक हो रही हो, खाना एकदम सही रहेगा, वो भी हैप्पी हाउस की इन तमाम प्रोडक्ट्स के साथ साथ, जो कि आइसोलेटेड मटीरियल से तैयार की जाती है और जीस के साथ साथ आप तक पहुँचाई जा रही है शानदार और ज़बरदस्ती इंसुलेटेड मटीरियल से तैयार की जाती है, ताकि आप तक शानदार और मज़ेदार सी ये तमाम रेसिपीज आप लोगों की सही रहे, बेहतरीन रहे, इसीलिए जी आप तक पहुंचाया है ये तमाम चीज़ें। मज़ीद भी इसके बारे में दिखाएंगे, खुल के दिखाएंगे, दिखनी है खूबसूरत, हर साइज़ में अवेलेबल हैं, हर तरह के आप लोगों को चीज़ें मिल सकती हैं जो कि आप वहां जाके ले सकते हैं। लक्की मॉल में भी इनका आउटलेट मौजूद है, भादराबाद पर भी मौजूद है, स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो रहा होगा, ऑनलाइन भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर को भी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ सजा सकते हैं हैप्पी हाउस की इन तमाम प्रोडक्ट्स के साथ साथ। ठीक है जी, तो हम जा रहे हैं फ़िलहाल ब्रेक पर, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा होगा, ये दो रेसिपीज़ जो कि थोड़ी थोड़ी सी डिटेल आपने आप लोगों के साथ शेयर की है, मज़ीद डिटेल शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर चुकंदर मेथी गोश्त कवर अप और जी खुशबुएं बिखेर रहा है, मजीद इसमें कुछ अभी आपने कहा नहीं करना है। हाँ। आलू टिक्की जो कि खूब चटपटी मसालेदार है, वो आपके सामने तमाम चीजें आपने शामिल की और उसके बाद बनाना शुरू कर दी। छोटी छोटी, अच्छा बिल्कुल छोटी बना रही हूँ, क्योंकि देखिए इसकी जब हम कोटिंग करेंगे तो अच्छी लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी। बहुत बड़ी जो होती है ना, मुझे इतना पता नहीं, आपको अगर बड़ी अच्छी लगती है आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ कर देते हैं शिफ्ट। जो हमारा बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा मेथी चुकंदर गोश्त, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ, साथ हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखें, ये देखा आपने, पानी मैंने डाल दिया था इसमें हाफ अ कप। ये देखें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आई है, मेथी से बहुत अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है, क्योंकि चुकंदर की अपनी कोई ऐसी स्मेल होती नहीं है, लेकिन ये कि आप उसमें मेथी डाल दें तो बेहतरीन हो जाता है। आ जाते हैं ज़ीरा राइस के, इसके लिए हमने चूल्हा ऑन किया हुआ है और ले लेते हैं, ओ ओ ये तो ऑयल बच गया। ओके, तो इसमें हम तैयार करेंगे ज़ीरा राइस।
हाँ जी, इसके लिए आप चाहे बनास्पति ले लीजिए या फिर आप ले सकते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, वो मैं ले रही हूँ हाफ अ कप। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएचटी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्जान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। जी, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति जो कि वीटेफ बनास्पति है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार और कोलेस्ट्रॉल फ्री। एक अदद प्याज, ठीक है, इसमें मैंने एक अदद प्याज डाल दी, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, साथ ही एक अदद तेज पत्ता, डालना चाहे डालें लेकिन अच्छा फ्लेवर आ जाता है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम ही है, 1.5 टी स्पून आप ले लीजिएगा, ये डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा चिकन स्टॉक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर चिकन स्टॉक या चिकन पाउडर आप इसमें शामिल कर देंगे तो फ्लेवर अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। राइस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 3 कप चावल है यहाँ पे। इसके अलावा हरा धनिया है यहाँ पर, और क्या है, सफ़ेद ज़ीरा है, चूँकि ये ज़ीरा राइस है तो ज़ीरा होना तो लाजमी है, तो इसलिए मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा। ये क्या, इसमें ज़ीरा, ज़ीरे को बहुत ज़्यादा आपने कलर नहीं देना, लेकिन आपको लगे कि हाँ इसमें से हल्का सा फ्लेवर निकल कर आ रहा है। चलो जी, मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जब हम आलू मटर की जो टिक्की बनी है हमारे पास, इसको हम इस बैटर में डिप करेंगे, और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम यहाँ गर्म करने के लिए रख देते हैं, उससे हम इसको फ्राई कर लेंगे, तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन हो जाएगा। अभी जो मेथी चुकंदर गोश्त है उसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड नहीं की, तो एक काम करते हैं इसमें हरी मिर्चें डाल देते हैं। ये okay. इसमें हरी मिर्चें 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें डाल देते हैं। मैंने आलू टिक्की का मटेरियल थोड़ा सा टेस्ट किया, मैं रखते रखते बड़ा मज़े का बना हुआ। अच्छा, खटाई से थोड़ा खट्टा फ्लेवर भी है और चटपटा, क्योंकि इसके नाम के साथ लगा है, तो बाकी मज़ेदार आप अपने तैयार कर रही है। ये हो गया। अभी तो कोटिंग नहीं हुई है नाम शुक, इसके बाद इसका और अच्छा रिजल्ट। हम अमूमन अंडा ब्रेड क्रम से करते हैं, लेकिन इससे कीजिएगा बेहतरीन रहेगा। चलो जी, ये हो गया। अच्छा, कलर थोड़ा सा दूंगी मैं इसको, क्योंकि देखें चावलों में हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना कि पुलाव की तरह कराया, लेकिन थोड़ा सा अगर आ जाएगा तो वाइट राइस से ज़रा सा हट के लगेगा आपको, तो थोड़ा इसको प्याज को कलर मैं दूंगी इसमें। अब आप चाहें तो इसमें पानी डाल दें या चिकन स्टॉक डालें, मैं पानी डालूंगी और फिर चिकन पाउडर डाल दूंगी, उससे क्या होगा कि बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। हरा धनिया ज़रा ज़्यादा सा डालेंगे और फिर इसके बाद इसको हम सर्व करेंगे इस चुकंदर गोश्त के साथ ना। अच्छा, राइस के साथ सर्व होंगे, राइस के साथ सर्व करेंगे हम इसको ना। चलें जी, ये तकरीबन, अब आप मुझे पानी उठा के दीजिएगा और साथ ही एक स्पून भी दीजिएगा, मैं आज आपको टेबल एंड टी जो जो चाहिए। ठीक है, थैंक यू। चले, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा इसको और करर आने दीजिए। जग उठाने की हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं है, भारी है ना। चले जी, हो गया। और ये गया इसमें अदरक और लहसुन जो पिसा हुआ था। हाँ, ओ सॉरी, अब डालें पानी आप इसमें, बताइएगा। हाँ डालें, बस 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 बस, बस। ठीक है जी, ये गया इसके अंदर, तकरीबन 1/2 कप हमने इसमें पानी शामिल कर दिया, और मैं डालूंगी अब इसके अंदर ये राइस शामिल करती हूँ। ये गया इसमें राइस। अच्छा, नमक की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने राइस को बॉईल करते वक्त हमने इसमें नमक शामिल कर दिया था। और गया इसमें ये चिकन स्टॉक जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये मैं डालूंगी तकरीबन चिकन पाउडर, हाँ चिकन पाउडर सॉरी, 1.5 टी स्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगता। Okay. इसको हम मिक्स करते हैं, थोड़ी देर दम पे रखेंगे, फिर हरा धनिया डाल के मिक्स करेंगे, निकालेंगे और सर्व कर देंगे। सिंपल और मज़ेदार, सिंपल और मज़ेदार। कॉलर नहीं आपा, बिल्कुल लीजिए। ज़ैनब जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप ही, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैं काफ़ी अच्छी से पानी बना रही हूँ, आज फर्स्ट टाइम पानी ली। चले गुड, मुबारक एंड वेलकम टू शो। कहिए क्या कहेंगी? हेलो, क्या कहेंगी, इतने दिनों बाद कॉल मिली है। आपको काम बहुत अच्छा है और आप इतने प्यार से बोलती हैं, क्या बताऊँ, बहुत ही प्यार से आप बोलती हैं। थैंक यू जी, आप साथ बात करती हैं और आप वहाँ तो बहुत ही प्यार से समझाती, बहुत अच्छी तरह से। हाँ थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपको मैंने एक बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, कहिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। नाम नहीं किया था, अभी तक मुझे नहीं मिला। कब विन किया था आपने?
मैंने सितंबर फर्स्ट वीक में विन किया था। सितंबर में? ओहो, अभी तो थोड़ा इंतजार करें। अभी तो बहुत कम दिन हुए। हाँ, थोड़ा सा एक्चुअली टाइम लगता है ज़ैनब, बट डोंट वरी, आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं कंट्रोल रूम में और थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें लेट हो जाती हैं। अभी तो बीच में बारिशें इतनी हुई थी उसकी वजह से भी, और जब जब विन करते हैं क्योंकि हर शो पर ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ विन कर रहे होते हैं लोग, तो इसलिए बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाल्लाह पहुँचेगा ज़रूर आपके घर जो भी है, एकदम से आप उस दिन सरप्राइज होंगे, खुश होंगे, आपके पास आ गया होगा जो भी गिफ्ट विन किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब यहाँ पर मैंने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के रख दिया। ये मेरे पास मिक्सचर तैयार है, इसमें मैं एक एक डिप करूँगी और फ्राई कर लूँगी। ठीक है जी, इन्हें प्रोसेस ही नहीं कर सकते, ज़रा अभी ठंडा है ऑयल, अभी थोड़ा सा ठंडा है, आएंगे तो हम बता देंगे, बिल्कुल कोई मसला नहीं, लेकिन मैं ब्रेक टाइम में कुछ बना के रख लूँगी। ठीक है, ठीक है, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको और दिखा देंगे। राइस हमारे दम पे चलेंगे, उसमें हरा धनिया डालेंगे और निकालेंगे और सर्व करेंगे, और साथ ही हमारा मेथी चुकंदर गोश्त जो है वो भी बस तैयारी पर है तकरीबन, तो इसको भी आपको दिखाएंगे। दम पर राइस, चुकंदर, मेथी भी रेडी, और इसके साथ साथ बस हमने इनको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राइंग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं बस ज़रा ऑयल यहाँ पे था, गरम हो रहा था। हाँ। बस फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल तो हम चाहते हैं हर चीज़ अच्छी लज्जत से भरपूर, जायकेदार और सेहत से भरपूर तैयार करें। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में करेंगे डीप फ्राई से, फिर आगे क्या होगा वो आपस से तो हमें पूछना ही पूछना है, क्योंकि ये है बहुत ही ख़ास और मज़ेदार सी चटपटी आलू की टिक्की जो यहाँ पर बन रही है। बस इसी में ही थोड़ा सा काम है, बाकी ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें रेडी हैं, तो इसकी जो डिटेल होगी वो वापस आके शेयर करते हैं, इसलिए ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक और फिर ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक, और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है कुछ बरसात का मौसम है और यहाँ पर कुछ खाने ऐसे बन रहे हैं। हाँ। क्योंकि खाने बरसात जैसे क्यों लग रहे हैं, सावन के महीने वाले वे जो है ना, ये एक्चुअली सही कह रही हूँ, उसमें इस तरह का बारिश हो रही हो, ठंडी हवा हो और लाइट ना हो, यूजली ऐसी होता है लाइट ना हो तो किचन में खाते हैं। आपने सोचा कि हाँ लाइट ना हो, ऐसी होता जरा सी बूंद लाइट ना, लेकिन मैं कभी भी इस लाइट को नेगेटिव नहीं लेती, मैं कहती हूँ ये पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बेचारे करंट लग जाती है जगह या पोल के नीचे खड़े हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो, इसलिए बंद कर दिया, इससे बेहतर है कि बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी दो चीज़ें तो हैं तकरीबन तैयार होंगी, राइस हो गए थे, मैंने उसमें हरा धनिया मिक्स किया, उसको हम निकालेंगे। इसके अलावा आप ये देखें आलू मटर की जो टिक्की बन रही है वो भी तैयार है, और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसको डिप करना है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई समस्या नहीं। ठीक है जी, ये मैंने इसके अंदर, अच्छा ये आप इसको चूल्हे को बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये रेडी है, ये रेडी है, चुकंदर और मेथी को आलू, हाँ जी बिल्कुल, चुकंदर और मेथी, हाँ बस ये देखिए डीप फ्राई कर रही हूँ मैं, डीप फ्राई नहीं करना चाहती, कोई मसला नहीं है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्ती, आप जब बनाते हैं अंडा ब्रेड का लगाते हैं तो वो एक डिफरेंट बनता है, ये डिफरेंट तरीके से बन रही है, लेकिन भाई बहुत बेहतरीन होती है, किसी भी चटनी के साथ खाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन ये उसके बगैर भी बेहतरीन लगेगी इंशाल्लाह ताला। चलें ओके, अच्छा ये तो आप चाय की उस पर भी बना सकते हैं, बिल्कुल चाय पे बना सकते हैं आप, अपने तार पे भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ये मैं बस बना रही हूँ, ये हो जाएंगी फ्राई हो जाएंगी, मैं इनको निकालूंगी, बाकी भी थोड़ी सी रहेगी इसको भी तैयार कर लेते हैं ना। ओके डन, जब तक आप, अब मसला सारे कि पीछे जो इतने खूबसूरत ये हॉट पॉट जो रखे हैं मैंने, मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं हॉट पॉट, बिल्कुल थर्मा पॉट सा। अच्छा बिल्कुल, पता कुछ ऐसा लगा जैसे अभी भी किसी दुल्हन का नया नया जहेज जो है ना वो अभी खुला है, क्योंकि बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत साइजेस, वाटर फ्लास्क आप देख सकते हैं, कॉफी फ्लास्क मौजूद है, पॉट्स मौजूद है डिफरेंट साइजेस, और आप जिस तरह से कह रही है कि खूबसूरत है, जितने अच्छे लग रहे हैं, गेस्ट आए और आप ये रखें ना, आप शो के आप हो जाएंगे खुश कि दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। इंसुलेटेड हॉट पॉट्स एंड थर्मो पॉट्स हैं ये, बेसिकली ये प्रोडक्ट्स इंसुलेटेड मटेरियल से तैयार की जाती है ताकि इसका जो भी आप टेम्परेचर अपने खाने का रख रहे हैं इसके अंदर वो बरकरार रहे, उसका लुक, उसका टेस्ट, ये तमाम चीज़ें बरकरार रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये मैं आप लोगों को बता दूं, वाटर कूलर प्लेट्स मौजूद हैं, वाटर बॉटल्स हैं, फ्लास्क हैं, कॉफ़ी पॉट्स हैं, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि मिल सकती हैं किचन वेयर, हाउस होल्ड और होम डेकोर की तमाम प्रोडक्ट्स डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट मटीरियल्स में आप लोगों को मिल सकती है, डिफरेंट डिज़ाइंस में। तो हाईली रिकमेंडेड जो ब्रांड है वो है हैप्पी हाउस जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। अच्छा लकी वन आउटलेट पर भी, लकी वन जो मॉल है बेसिकली वहां पर भी इनकी आउटलेट मौजूद है, इसके अलावा भादराबाद पे मौजूद है, आप चाहे तो घर
बैठे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए जी स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रहा है, आप देखिए उस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कीजिए, जो दिल करता है जैसे दिल करता है, बस अब आपने खाना रखना बना के, अब मुश्किल नहीं है, वही टेम्परेचर वही टेस्ट वही लुक अब आपको मिलेगा हर बार। मैं ये कह रही हूँ कि इंसान जो है ट्रैवल कर रहा होता है तो जब उसके बाद थोड़ी देर बाद आप खाना खोलते हैं तो आपको वो मज़ा नहीं आता बिल्कुल ना। लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी चीज़ नहीं है, आप खाना रखेंगे उसकी ताजगी बरकरार रहेगी। हाँ, ताजगी लुक टेस्ट वही रहेगा, इन टेम्परेचर वही रहेगा कि आप रख रहे हैं गर्मा गर्म, तो गर्मा गर्म ही आपको मिलेगा इस हैप्पी हाउस की इन तमाम प्रोडक्ट्स के साथ। आपने चीज़ें बनाई और उसके बाद बना के रख दी और आप खुद अच्छे से तैयार हों और फिर डाइनिंग टेबल पे आप भी इंजॉय करें तो ये दिखने में भी खूबसूरत है कि आपकी टेबल भी सज जाएगी। बहुत ही ज्यादा इसको मतलब आप इसमें अच्छा ये आपने देखा कि इसका जो वो है ये शीशे का इसके लिए इसका ये लिड ग्लास है और इसके साथ आप अंदर से देख भी सकेंगे इसका जो भी खाना अंदर होगा तो वो लुक भी आ रहा होगा साथ में। और इस तरह से बहुत अच्छा एयर टाइट आप जो है बंद करके रख सकते हैं, खूबसूरत सी पैकेजिंग के साथ आपको मिलेगा डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट डिजाइन में। बिल्कुल अच्छा जी, ये बिल्कुल तैयार हो गई सारी चीज़ें, बस अब हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। ये एक आखिर में छोटी सी पता नहीं क्यों चीज़ बच जाती, कबाब हो या कोफ्ते हो, वो छोटा एक लाजमी बने बचेगा ना, तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये हमारी चीज़ें तैयार हो गई, इसको हम निकालेंगे और फिर हम सर्व करते हैं। डाने जी, तो आलू टिक्की आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी तैयार हो गई, गर्मा गर्म तैयार होती जा रही हैं। एक तरफ मेथी और जी चुकंदर गोश्त है वो रेडी है, ज़ीरा राइस वो रेडी है, यानी तमाम चीज़ें रेडी, बस प्लेटिंग होनी इनकी बाकी है जो कि टेबल पर आएंगी। तो इस दौरान आप लोग अच्छे से चेक कीजिए रीकैप तीन रेसिपीज का, फिर एक ब्रेक होगा, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं मजेदार रेसिपीज के लुक के साथ। चटपटी आलू मटर टिक्की, अच्छा उबले आलू 3-4 अदद, उबले मटर 1 कप, कटा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसी कटाई 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हसबे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, कोटिंग के अज्जा, बेसन 3/4 कप, सोडा 2 चुटकी, चावल का आटा 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हसबे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब, आलूओं को मैश करें, अब इसमें तमाम अज्जा मिक्स करके टिक्कियाँ बना लें, फिर कोटिंग के अज्जा में पानी मिलाकर घोल लें, अब इसमें बनाई हुई टिक्कियाँ डिप करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। मेथी चुकंदर गोश्त, अज्जा गाय का उबला गोश्त 1/2 किलो, उबले चुकंदर 750 ग्राम, मेथी 3/4 कप, प्याज चॉप 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हसबे जायका, तेज़पत्ता 1 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 3/4 कप, हरी मिर्च गार्निश के लिए। तरकीब, तेल गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और तेज़पत्ता डालकर मसाला भून लें, फिर गाय का उबला गोश्त और ज़ीरा पाउडर डालकर भूनें, अब उबले चुकंदर, मेथी और पिसा गर्म मसाला डालकर मज़ीद भून लें, आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर गार्निश करें और उबले चावल के साथ सर्व करें। ज़ीरा राइस, अज्जा उबले बासमती चावल 2 कप, तेल 1/2 कप, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, चिकन पाउडर 2 चाय के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, नमक हसबे ज़ायका, हरा धनिया हसबे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब, तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज फ्राई करें, अब सफ़ेद ज़ीरा फ्राई कर लें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज़पत्ता, नमक और चिकन पाउडर डालकर मिक्स कर लें, उसके बाद 1/2 कप पानी मिलाकर चावल मिक्स करें और दम पर रख दें, आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। जी वेलकम बैक, और क्या मज़ेदार सी आलू टिक्की से स्टार्ट ले लें, क्योंकि वैसे तो मेन हमारी रेसिपी चुकंदर मेथी है गोश्त, लेकिन क्योंकि मैंने आलू टिक्की अब ट्राई किया, रहा नहीं जा रहा था, गर्मा गर्म क्या क्रिस्पी सी कोटिंग अंदर आलू का, जो मटेरियल आपने इतना शानदार बनाया ना आपा, चटपटा सा मज़ेदार सा, मतलब इसके साथ कोई डिप कोई सॉस की ज़रूरत नहीं, आप उठाएं और डायरेक्टली एक से तो गुजारा होगा नहीं आपका, डेफिनेटली छोटी छोटी सी है, दो आराम से खा सकते हैं, 2-4-5 खा सकते हैं, मतलब इतना मज़ेदार है, चलेगा। तो बहुत ही शानदार और मज़ेदार से आप बनाएं, इंजॉय करें, बहुत ही मज़े की। अच्छा जी, अब देखें जी चुकंदर मेथी का कलर लुक बहुत
बहुत टेस्टी। अच्छा पर्सनली मुझे चुकंदर गोश्त पसंद है, अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको पसंद नहीं होता, तो मेरे ख्याल से मेथी के साथ ट्राई करेंगे तो पसंद आएगा। मैं बता रही हूँ कि मेथी जो है ना एक बहुत ही अच्छा सा जो फ्लेवर है, हाँ वो उसका डेवलप करता है, क्योंकि चुकंदर का जो एक फ्लेवर होता है ना, मतलब आप वैसे थोड़ा स्वीट, हाँ स्वीटनेस फील भी होती है आपको ना, और सूंघने में भी आपको लगेगा ओहो ये कुछ स्वीट सी चीज़ है, लेकिन जब हम मेथी डाल देते हैं तो उसका फ्लेवर इंटायरली चेंज हो जाता है। रीजन तो यही होता है अपा, इसलिए लोग अवॉइड करते, कहते हैं सालन खाएं वो मीठा मीठा खाएं। हाँ। और इसी तरह से जब हम गाजर गोश्त बनाते हैं तो गाजर गोश्त में भी आप मेथी डाल के बनाएं तो बेहतरीन बनेगा। ये गाजर आलू बना रहे हैं या चुकंदर आलू बना रहे हैं, सब में मेथी का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा बनता है। चुकंदर ऐसे और किसी सालन में नहीं जा सकती ना, चुकंदर गोश्त, चुकंदर का गोश्त, चुकंदर गोश्त के साथ सब्जी में जाती है चुकंदर? नहीं नहीं, वो पूरी रेड कर देगा ना। हाँ एक्चुअली इसका कलर ऐसा होता है ना कि सारी सब्जियों को कर दे, लेकिन चुकंदर का हलवा बहुत अच्छा बनता है। जब तक मौजूद है सीजन में होता है, इसके फवायद को इंजॉय कीजिए, लीजिए, क्योंकि बाकी जब ऑफ सीजन होने लगता है तो इतना जूसी नहीं रहता, फिर थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो जब आपको जूस के लिए बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल करना है तो अच्छा है सीजन में रहते हुए इंजॉय करें। और आपने जीरा राइस को भी बड़े स्टाइल में सर्व किया है, बड़ा जबरदस्त सा मोल्ड में, और गर्मा गर्म धुएं निकलते जा रहे हैं। मजेदार सी रेसिपी आपके सामने। आपने कहा कि मेथी चुकंदर गोश्त जो है वो राइस के साथ सर, राइस के साथ अच्छा हाँ। लगता है वैसे, जैसे आपकी मर्जी आप खाइए, लेकिन शायद हम लोग शायद राइस लवर्स में से हैं तो हर चीज तो राइस दे भाई। ठीक है जी, इंजॉय करें आज की तीनों रेसिपीज, आपने देखी डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, कल की भी होंगी बहुत ही शानदार। कल तो शायद एक मीठा है, एक मीठा है और एक हांडी है। ओहो हो, यानी कल और भी मजेदार रेसिपीज होंगी, तो मिस आउट ना कीजिएगा। फिलहाल हम आपसे इजाजत ले रहे हैं कल तक के लिए, क्योंकि हाजिर होंगे मजे की रेसिपीज के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।